नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ प्रिया। नजर डालते हैं आज की खबर। चंदौली जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल अनावरण व इस घटनाक्रम में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं वाहनों की वारदगी हेतु पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ सिंह के निर्देश पर एवं क्षेत्र अधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल के मार्गदर्शन में टीम गठित कर प्रभावी काम करने हेतु निर्देश किए गए थे। उक्त निर्देश एवं मुखबिर की सूचना पर चंदौली थाना प्रभारी आशुतोष ओझा व स्वाट टीम सत्येंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 2 के किनारे मंडी समिति के पास से गिरफ्तार किया गया। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। खुलासा है, क्या है मामला? बीती रात एक अंतरप्रांतीय स्तर का गिरोह है जो वाहन चोरी में लिप्त था। इसके कुल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 जनपद चंदौली के रहने वाले हैं, 3 बिहार प्रांत के हैं। इनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें चोरी की थी और 1 बोलेरो पिकअप जो बरामदगी के 24 घंटे पहले चोरी हुई थी, जिस पर 1.5 लाख से अधिक रुपए मूल्य का साइकिल का पार्ट लदे हुए थे, इसकी बरामदगी की गई। क्या आपराधिक इतिहास रहे हैं? ये पुराने साथी अपराधी हैं, कई बार जेल जा चुके हैं और इनका कार्य मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों से वाहन चोरी करके बिहार में सप्लाई करना और बेच करके आर्थिक लाभ प्राप्त करना। कितने लोग पकड़े गए इसमें? कुल 5 सदस्य पकड़े गए हैं, 2 सदस्य इस टीम के फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी और जो अन्य वाहन इनके द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश से चोरी किए गए हैं उनकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। सर, पकड़े गए सभी लोग युवा हैं, क्या कुछ पूछताछ में जानकारी अलग आ पाई क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? ये आर्थिक लाभ के लिए करते हैं, इन्होंने एक प्रकार से अपना धंधा बना लिया है और बॉर्डर का जनपद होने के कारण वाहनों के खपत के लिए इनके पास स्कोप भी थोड़ा बेहतर है, तो बड़ी आसानी से गाड़ियों को 15 किलोमीटर आगे क्रॉस करा के बिहार की सीमा में पहुंचा देते हैं और नंबर प्लेट आज बदलवा करके फिर उसको बेच देते हैं। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।